शिव पुराण के भी अनुसार ऐसा है कि सारे पृथ्वी की रचना भगवान शिव ने अपने डमरू के द्वारा की थी, और उन डमरुओं के शब्दों से बहुत प्रकार के लय की उत्पत्तियां हुई। शब्द उतने नहीं प्रकाश में है क्योंकि डमरू में सिर्फ एक ईश्वर है, अमूर्त है, मगर उसके द्वारा लय की बड़ी अच्छी अच्छी उत्पत्तियां हुई, और कई एक शब्द ऐसे उसमें से प्रकट हुए जिसे कि आप ये कह सकते हैं कि स्वर के उतार चढ़ाव या कड़ा या मुलायम होने की वजह से कई एक ऐसे शब्द प्रकट में आए जिनके द्वारा प्रारंभ में गणेश ने मृदंग की उत्पत्ति की। अच्छा, तो मृदंग की जब रचना उन्होंने की तो उसमें बहुत सारे शब्द आए, और इन शब्दों में बहुत से प्राण उत्पत्ति हुई और देवताओं के वर्णन और देवताओं का स्तुति वंदना ये सब पहले जैसे गायन में है कि ध्रुपद तो विष्णु की वंदना, दुर्गा की वंदना, सरस्वती की वंदना, ऐसे ध्रुपद में ऐसे ही गणेश ने अपने मृदंग द्वारा बहुत सी रचनाएं देवताओं का वर्णन उन्होंने मृदंग द्वारा किया। एक दो वंदना गणेश का वर्णन वो तबले द्वारा हम आपको सुना रहे हैं, सुनिए। गणपति गणेश लंबोदर सोह भुजाचारी एक दंत चंद्रमा ललाटरा ब्रह्मा विष्णु महेश ताल दय ध्रुपद गाँव अति विचित्र गणनाथ आज मृदंग बजाओ धति धाड़ धिंता कत कत धिंता न था धिंता कट 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 धृदर कट कट धृदर कट कट धृदर कट कट तट कत गिद गिन धा गिद गिन धा 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 गिद गिन धा 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 गिद गिन धा धा धा